हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आज फिर से स्वागत करते हैं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का विषय है ये बहुत ही जरूरी विषय है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे अगल बगल बहुत सारे मूर्ति पूजा किए जाते हैं। ऐसे में एक मसीही तो मूर्ति पूजा करता नहीं है, तो लोग पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सारे विषयों पर बात करेंगे और बाइबल से देखेंगे कि आखिर परमेश्वर मूर्ति पूजा करने से मना क्यों करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद यदि आपको इस बात का पता चल जाए कि आखिरकार मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते, अपने दोस्त या अपने मसीह परिवार में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े चर्चों में प्रभु यीशु और माता मरियम की मूर्तियां लगी होती हैं, और बहुत सारे पादरी और बहुत सारे क्रिश्चियन लोग उस मूर्तियों के सामने झुककर आराधना भी करते हैं। लेकिन क्या ये बाइबल के अनुसार सही है? हम जब बाइबल में भजन संहिता अध्याय 115 के 4, 5 और 6 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ दाऊद लिखते हैं, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो परमेश्वर ने इस पुस्तक में लिख दिए हैं, और ये सच्चाई भी है कि एक मूर्ति ना ही बोल सकता है, ना ही चल सकता है, ना ही किसी को स्पर्श कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन है तो वो मूर्ति ही। मेरे प्रियो, कभी कभी सुन के बहुत हंसी आता है कि लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ का मूर्ति दूध पीता है, मिठाई खाता है, लड्डू खाता है, सब कुछ करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या किसी मूर्ति को मिठाई खाते हुए या लड्डू खाते हुए देखा है? परमेश्वर को किस चीज़ की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर भूखा है, प्यासा है? जब सब कुछ उसने ही बनाया है तो क्या उसका भूख मिठाई खाने से और दूध पीने से मिट सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रियो, मेरी इन बातों से बहुत से लोग जलन भी रखते हैं, लेकिन जो सच है वही मैं बता रहा हूँ। हमारा परमेश्वर कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 7:49-50 में, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हमारा प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, कहाँ बनाओगे, मैं मुझको कहाँ तुम रखोगे? इस दुनिया में सब कुछ मैंने ही तो बनाया है। इसीलिए मेरे प्रियो, एक मसीही कभी मूर्ति पूजा नहीं करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है, नफरत करता है। जिस परमेश्वर को हम अपना पिता मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, उसका दर्जा हम किसी मूर्ति को कैसे दे सकते हैं? आप जानते होंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं। हालांकि बाइबल इसके लिए मना करती है कि किसी मूर्ति पूजा में भाग नहीं लेना है, किसी मूर्ति का चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि क्या तुम मेरी तुलना किसी जानवर से या किसी पशु पक्षी से करते हो? हालांकि मैंने खुद उनको बनाया है और तुम उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी आराधना करते हो। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आखिरकार मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते, तो यही कारण है कि मसीह लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। मेरे प्रियो, जब हम निर्गमन अध्याय 20:4-5 पढ़ते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोतों
और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मेरे प्रियो, ये वचन हर एक मसीह को याद होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। ये वचन तब का है जब मूसा को 10 आज्ञाएं मिली थी, तो उनमें से एक आज्ञा ये भी है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना। मूर्ति पूजा एक बहुत ही बड़ा घोर अपराध है जो कि एक मसीह को किसी भी हर हालत में नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि किसी मूर्ति पूजा में सम्मिलित भी नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, एक मूर्ति आखिर किस चीज़ का बनता है? मिट्टी का, लोहे का, पीतल का या सोने का, चांदी का, इन्हीं सब का मूर्तियाँ बनता है। तो वो इंसान जो मूर्ति की आराधना कर रहा होता है, वो जानबूझकर वो उस परमेश्वर के सामने नहीं झुकता है, बल्कि वो तो उस लोहे और मिट्टी के सामने अपना सर झुकाता है और उसकी आराधना करता है। हमारा परमेश्वर इसीलिए कहता है कि मुझे तुमसे घृणा है, तुमसे नफरत है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुमने इन मूर्तियों को अपना पिता बना बैठे हो। यदि हम इन मूर्तियों के सामने अपना सर पटक कर तोड़ दें, फोड़ दें या अपना जान भी क्यों ना दे दें, लेकिन ये कुछ नहीं बोलने वाला, ये कुछ नहीं कहने वाला। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन मूर्तियों की आराधना बिल्कुल भी ना करिए। यशायाह अध्याय 42 के 8 में हमारा परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वही खुदी हुई मूर्तियों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, मान लीजिए आप एक पिता हैं और आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो क्या आप अपने पिता होने का दर्जा दूसरों को दे सकते हैं? कभी नहीं। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा दूसरों को न दूंगा। मेरे प्रियो, आज जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं और बुरे विचार में पड़े हुए हैं, पाप में पड़े हुए हैं, उनसे परमेश्वर एक एक पाप का हिसाब लेगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने तो तुम्हें अच्छे कामों के लिए बनाया था, लेकिन तुम पाप में पड़कर बुरे बन गए हो, इसलिए तुम्हें अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 27 के 15 में हमारा परमेश्वर कहता है, श्रापित हो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। क्या कहता है? श्रापित है वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापना करता है। मेरे प्रियो, जो मूर्ति पूजा करते हैं वो तो नरक में डाले ही जाएंगे, लेकिन जो उसको गढ़ करके बनाते हैं, जो रच रच करके बनाते हैं, वो भी उसके दोषी पाए जाएंगे। हमारा परमेश्वर कहता है कि वो भी हमारे घृणा योग्य है। तो किसी ऐसी मूर्ति को नहीं बनाना है जो लोग उसकी आराधना करें, उसके आगे अपना सर झुकाएं, उसकी उपासना करें, ऐसी मूर्ति नहीं बनवाना है। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 के 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो मेरे प्रियो, ऐसे जितने भी लोग हैं जो मूर्ति खोद कर बनाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं या मूर्ति पूजा में भाग लेते हैं या प्रसाद खाते हैं, जितने भी वस्तुएं मूर्ति पूजा से जुड़े हुए हैं, हमारा परमेश्वर उन सारी लोगों से घृणा करता है, नफरत करता है। जब तक वो अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करने वाला। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। यशायाह अध्याय 55 के 9 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच और विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है।
हमारा परमेश्वर कहता है, तुम जैसा करते हो मैं वैसे नहीं करता, तुम जैसे चलते हो मैं वैसे नहीं चलता। तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम में पाप है, बुराई है, नफरत है, लालच है, क्रोध है, ईर्ष्या है, झगड़ा है, लेकिन मेरे अंदर नहीं है, मैं पवित्र हूँ। यदि तुम भी पवित्र बनना चाहते हो तो तुम्हें इन बाइबल के वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर कहता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये बाइबल यानी अपना वचन मैंने तुमको दिया है। इसमें मेरी जितनी भी बातें हैं, जो भी मैं कहना चाहता हूँ, सारी बातें इसमें लिखी हुई है। तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, कैसे जीना है, ये सारी बातें इस बाइबल में लिखी हुई हैं। इसके बाद भी यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो तो तुम घृणा योग्य हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन सारी बातों को अपने तक ही सीमित मत रखना मेरे प्रिय, अपने मसीह भाई बहनों में, दोस्तों में, पड़ोस में ये परमेश्वर का वचन शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा परमेश्वर मूर्ति पूजा से कितना घृणा करता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।